दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मोबाइल टावर स्कैम के बारे में। ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है अगर आप कहीं गांव में या इस तरह की जगह पर रहते हैं, क्योंकि इतना जेन्युइन लगेगा आपको, इतना रियल लगेगा कि आप जो भी वो मांग रहे हैं वो सब दे दोगे और आपके साथ स्कैम हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ स्कैम हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ। उसने मुझे पूरी डिटेल बताई, मैंने सब प्रूफ लिए, उससे आगे सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये मोबाइल टावर का स्कैम होता है, आपके साथ भी हो सकता है और आपको लगेगा भी नहीं आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपके साथ स्कैम होता है, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों स्कैम आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम तो बहुत बढ़ गए हैं। मतलब अगर कोई भी लिंक आती है उस पर क्लिक करते हैं और पेमेंट वगैरह बहुत सारा लफड़ा है। आपको सबको पता है कि क्या स्कैम क्या क्या स्कैम हो सकते हैं। मतलब कॉल करके कोई बोल रहा है कि लोन लिया था, लोन वापस कर दो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत सारे स्कैम है, मतलब आपने देखा भी होगा वो टाइपिंग वाला स्कैम आता है, ड्रॉइंग वाला स्कैम आता है, ये सारे स्कैम है। मतलब कोई भी आपसे अगर पहले पैसे ले रहा है कुछ भी काम करवाने के, तो समझ लो वो स्कैम है। मतलब 99% वो स्कैम है अगर पहले पैसे ले रहा है तो। एक बात क्लियर कर लो अपने माइंड में कि अगर आपको कोई काम दे रहा है तो वो आपसे कभी पैसे नहीं लेगा, मतलब पहले पैसे नहीं लेगा, आप समझ लो। क्योंकि देखिए कुछ कंपनी होती है जो बॉन्ड साइन करवाती है, बट वो पूरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है और सब कुछ होता है। इस केस में भी वो आपको एग्रीमेंट दे देंगे बट वो भी फेक होगा। बट यहां पर अगर कोई भी आपसे ऑनलाइन काम की बोल रहा है और आपसे पैसे ले रहा है कि यार ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है या डिपॉजिट है या जो हमने आपको फाइल भेजी थी या जो भी हमने कागज भेजे थे ये उसके पैसे हैं, तो बिल्कुल भी आप पैसे मत देना एक रुपया, फिर चाहे वो 100 रुपए भी। स्कैम क्या होता है, 100 रुपए का भी स्कैम हो सकता है। मतलब आपको तो लग रहा होगा क्या हुआ, 100 रुपए तो गए, बट आप सोच के देखिए कि वो सिर्फ आपसे 100 रुपए नहीं ले रहा है, वो ऐसे 100 लोगों से 100 रुपए लेगा तो कितने हो गए। मतलब और इसी तरह से अगर वो 100 रुपए 1000 लोगों से लेगा तो कितने हो गए। तो ये इस तरह से स्कैम बढ़ता है। तो जैसे 1-1 रुपए भी वो पूरे इंडिया वालों से ले तो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है आप सोच के देखिए, वो यूं ही करोड़पति बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये मत सोचिए कि कम पैसे ले रहे हैं तो मेरे साथ स्कैम नहीं होगा, स्कैम होगा। 100 रुपए भी आप क्यों जाने दो, आपकी मेहनत की कमाई है तो 100 रुपए भी मत। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि ये जो स्कैम आजकल चल रहा है, स्पेसिफिकली जो टावर वाला स्कैम है जो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ था, उसका नाम नहीं बता सकता मैं, उसके साथ हुआ था, उसने मुझे पूरे प्रूफ भेजे हैं, सब कुछ एक एक चीज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए ये टावर वाला स्कैम आजकल कैसे हो गया है कि आपके पास में एक पार्सल आता है घर में, आपको पता भी नहीं है, आपके इंडिया पोस्ट से एक पार्सल आ जाता है। या कुछ केसेस में वो क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपका घर चुना गया है टावर लगाने के लिए, आपके यहां पर जो है हमें रिक्वायरमेंट है आपके गांव में, हम पूरे आपके गांव को वाईफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी हमें जगह चाहिए और आपका घर उसमें चुना गया, आपको चुना गया जो है यहाँ पर, हम आपको एक पूरा पार्सल भेज रहे हैं, कुछ तो भी भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो आपके घर में आएंगे और आप उसको रिसीव करना और उनको पूरा पढ़ लेना। तो एकदम वो जो पार्सल भेज रहा है, मतलब आपके पास जब वो आएगा इंडिया पोस्ट के थ्रू आएगा, तो आपको जेन्युइन लगेगा एकदम। इस तरह से पूरा उन्होंने लोगो वगैरह लगाया हुआ है डिजिटल इंडिया का और ये सब करा हुआ है, बाकी सब कुछ फेक होता है। तो जो लोग टेक सेवी नहीं है, मतलब कि जो इतने जानते नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर इन सब चीजों के स्कैम वगैरह के बारे में, वो इसमें फंस जाते हैं, बोलते हैं कि यार पूरा तो उन्होंने पेपर भेजा है तो क्या ही स्कैम होगा। तो उसमें सबसे पहले कंडीशन ही यही होती है कि अगर आपको लगवाना है तो आप रजिस्ट्रेशन फीस दो। तो रजिस्ट्रेशन फीस होती है एकदम नॉमिनल, मतलब 500-1000 रुपए। इस केस में जो मैं बात कर रहा हूं, इस केस में उसको उससे 650 रुपए लिए थे, 650 रुपए पहले फोन पे करवा लिए, जिस तरीके अकाउंट डिटेल भेजी है। देखो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा बता रहा हूं अकाउंट डिटेल सब कुछ वगैरह, क्योंकि ये एक स्कैमर है, स्कैमर की अगर आइडेंटिटी रिवील होती है तो कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह का स्कैम होता है, एकदम जेन्युइन लगता है। अकाउंट नंबर भी उन्होंने, अकाउंट नेम भी उन्होंने, मतलब इस तरह से रखा है कि नेटवर्क और ये सब। तो मतलब इस तरह से ये स्कैम होता है कि एकदम आपको लगे कि एकदम रियल है, बट वो रियल होता नहीं है। आप एक बार पैसे भेज देंगे, आप का कॉल उठाना वो बंद कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, मतलब आप भूल जाओगे आपके साथ आगे भी कुछ होने वाला है। और उस स्कैम में, मतलब उस पूरे जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें पूरा लिखा गया है कि डिजिटल इंडिया में ये हो रहा है और हम टावर लगा रहे हैं और पूरे गांव को डिजिटल कर रहे हैं और आप अगर हमें जगह देते हैं तो यहां पर आपके घर में से किसी एक को नौकरी मिलेगी, उसको भी 15,000 रुपए महीने की नौकरी मिलेगी और जो हम जगह ले रहे हैं उसके भी 15,000 रुपए पर मंथ आपको जो है वो रेंट देंगे और साथ ही साथ जो आपको अगर आप एग्री करते हैं, एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, तो आपको डायरेक्ट 20,00,000 रुपए दे देंगे, वो भी मतलब कैश में दे देंगे। मतलब इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से वो बोला गया है कि मतलब आपको उसी टाइम पहले ही पैसे दे देंगे। तो आपकी मतलब दिमाग में ये रहता है कि यार मेरे पास पैसे आ रहे हैं और इतनी सी जगह देना है, और इसी तरह से आप क्या करते हो, 600-500-600 रुपए नहीं देखते हो और आप डायरेक्टली पेमेंट कर देते हो। आप सोच के देखिए, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलना उनकी तरफ से तो, बट आपकी तरफ से 500-600 रुपए चले गए। ये देखिए, ये होता है स्कैम, इस तरह से होता है स्कैम। मतलब उसने आपके साथ स्कैम कर लिया, आपने 500-600 रुपए फोन पे वगैरह जो भी करना थे कर दिए, अब उसके बाद आपको लगता है कि यार अब कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, अब स्कैम हो गया मेरे साथ।
साथ। तो इसी तरह से मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ और उसने मुझे डायरेक्टली बताया। फिर मैंने सोचा कि यार इसका एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके साथ हो रहा है तो बहुत से लोगों के साथ हो रहा होगा और वो किसको बताएंगे, मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है आगे। तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे अब ध्यान रखो, क्योंकि जो आपने पैसे भेज दिया, अमाउंट भेज दिया, उसका कुछ नहीं हो सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आप चाहे कहीं कंप्लेंट करें, कर सकते हैं, पुलिस में करें, कहीं पे भी करें, वो लोग भी कुछ नहीं करेंगे। इतना मुझे जहां तक लग रहा है इतना छोटा अमाउंट होता है तो उसके साथ वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बड़ा अमाउंट हो तो कर सकते हैं, बट इतना छोटा अमाउंट होता है तो उसके साथ वो नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपके आसपास वाले लोगों को ये सब बताना, ये वीडियो शेयर करो कि ऐसे कुछ भी स्कैम है। ये टावर वाला मैंने एग्जांपल दिया है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। अगर वो पहले पैसे ले रहा है बिल्कुल भी मत दो, बकवास चीज है। मतलब अगर वो आपसे पहले पैसे ले रहा है तो स्कैम है, ये समझ लो 99.9% वो स्कैम है अगर पहले पैसे ले रहा है तो। फिर चाहे वो आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा है, कुछ भी भेज रहा है, क्योंकि देखो अगर वो डॉक्यूमेंट घर पे भेज रहा है तो ज्यादा ज्यादा उसके लगे होंगे 50 या 60 रुपए, क्योंकि इंडिया पोस्ट का यही रेट होता है 40 या 60 रुपए में कहीं पे भी आप भेज सकते पूरे इंडिया में। ज्यादा ज्यादा 100 रुपए लेगा वो, और डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के कितने लगते हैं यार, 2 रुपए 3 रुपए, और एक पाउच आता है जिसमें वो रख के भेजेगा, वो 1 रुपए का आता है लिफाफा एनवेलप जिसको बोलते हैं, तो ज्यादा ज्यादा उसके 110 रुपए लगे और वो आपसे ले जा रहा है 600 रुपए, तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपए का, टू बी प्रिसाइज 490 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो उसने ये बिजनेस मॉडल बना रखा है अपना कि 490 रुपए में एक जने को स्कैम करना है। तो सोच लो 490 रुपए में एक आदमी को स्कैम करना है, तो सोचो वो दिन भर में कितने आदमी को स्कैम करता होगा। तो डायरेक्टली वो 500 रुपए, समझ लो 500 रुपए वो हर आदमी से कमा रहा है। तो इस तरह से ये स्कैम करते हैं, और एक को नहीं करते, ये बहुत सारे को करते हैं। तो उनके इसकी वजह से उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, और कोई कंप्लेंट भी नहीं करता, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट में कंप्लेंट करके क्या करेगा, वो सोचेगा ठीक है यार मेरी गलती। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि यार मेरी बदनामी होगी, मैं स्कैम में फंस गया, तो इस वजह से वो किसी को बताते भी नहीं। तो इस तरह से ये स्कैम चलता है। आप ये वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनके साथ ये स्कैम नहीं हो। और अगर हो गया है और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आगे ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, 500 रुपए गए कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान रखना। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, एक तरह से अवेयरनेस वीडियो था ये स्कैमर का, कि ये इस तरह से भी स्कैम हो सकता है जो आपको लगेगा एकदम जेन्युइन है। इस तरह के बहुत सारे स्कैम होते हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो आपको लग रहा है कि यार ये आपसे बात कर रहा था इस तरह की कुछ, कि यार ऐसा ऐसा कुछ मेरे पास आया है, कॉल आया है, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो कि हो सकता है उसके साथ स्कैम हो रहा हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।